यहाँ हो रहे हैं आलू बॉयल। किस चीज़ के लिए मैं बना रही हूँ पटाटे वड़ा, जो कि बहुत ज़बरदस्त मज़े का होता है, और बेसन में डिप करके उसको फ्राई करते हैं। अक्सर लोगों के घर में बनता होगा। तो कल से बड़ा दिल चाह रहा था कि भाई अभी तक हमने रमज़ान में पटाटे वड़ा नहीं बनाया, तो क्यों ना हम पटाटे वड़ा बनाएं। तो आलू बॉयल कर रही हूँ यहाँ दो में पटाटे वड़ा के लिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को हमारा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको, और उन सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते। तो जनाब यहाँ किचन में आज मैं आ गई हूँ, तकरीबन 4 बजने वाले हैं, और 4 बजे मैंने एंट्री कर ली थी किचन में। वो क्यों इतनी जल्दी भाई, एक दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है अफ्तारी, तो मैंने कहा क्यों ना जल्दी जल्दी लगा जाए, क्योंकि अफ्तारी का टाइम जब आपको पता है इतनी तेज़ी से भागता है ना, बस असर के बाद। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम सारे ग्राइंड अप करके सिर्फ फ्राई करने की चीज़ें हैं वो बिल्कुल एंड में आखिरी में होंगी, बाकी जो हम काम हैं वो करके रख दें। जो कि यहाँ मैं बना रही हूँ काले वाले छोले, वाइट छोले हम बना चुके हैं, अब हमने कहा ब्लैक छोले बनाएंगे भाई, काले ब्लैक दोनों मिक्स करो। तो यहाँ ब्लैक छोले बन रहे हैं, और ब्लैक छोले कैसे बन रहे हैं वो मैं दिखाती रहूँगी आपको। सब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सब बनाते हैं, तो हम किस तरीके से बना रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ मैंने ऑयल लिया है, ऑयल जैसे गर्म होता है हल्का सा, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन दो बड़ी प्याज ली हैं, दो बड़ी प्याज नहीं होंगी, एक बहुत ज़्यादा होगी तो मैंने हाफ़ कर दी। डेढ़ प्याज लिए तकरीबन मैंने, ये देखिए डेढ़ प्याज मैंने लिए, उसको बारीक चॉप कर लिया है, और यहाँ ऑयल गर्म हो गया है तो मैं उसके अंदर डालूँगी प्याज। और जी यहाँ गया कड़ी पत्ता तकरीबन 3 टाइम घर का मेरा फ्रेश कड़ी पत्ता, यह कर दिया। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चाय की चम्मच करीब जीरा, और इन सबको अभी हम थोड़ा सा नरम होने देंगे, मतलब प्याज को थोड़ी सी पिंक हल्की हल्की होना भी शुरू हो गई है, जो मैं बहुत तेज़ आँच करी है, और आँच अभी हमने जब कम करी तब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो अभी मैं टमाटर जो है वो चॉप करके तकरीबन 2 छोटे साइज से लूँगी टमाटर, और वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ प्याज जो है वो हल्की सी पिंकिश गोल्डन सी हो गई है हल्की हल्की सी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, जो कि मैंने छोटे साइज़ के लिए तो 2 अभी फूल उनको चॉप करके थोड़े छोटे साइज में कर लिया है, और अब हम यहाँ करेंगे इसमें थोड़ा हल्का। और उसके बाद मैं जिले के सारे मसाले डाल दें, क्या डाल रही है, आधी चाय की चमची मैंने डाली है लाल मिर्च की भी, आधी चाय की चमची के करीब मैं डाली इसमें कुटी हुई मिर्च, और हल्दी थोड़ा सा प्यारा सा कलर देने के लिए डालूंगी तकरीबन 1/4 हिस्सा चाय के चमचे का। नमक यहाँ मैं ऐड यूँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नमक छोले में ऑलरेडी है, तो बस सिर्फ हम ऊपर से हल्का सा डालेंगे जब छोले हम डाल देंगे इसमें। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें छोले ऐड कर देंगे, क्योंकि छोले तकरीबन तो काफ़ी हद तक गले हुए हैं, मगर मैंने और बिल्कुल नरम करने के लिए ब्लैक छोले ना काफ़ी हद तक जितने भी नरम हों तो वो जब भी अच्छे लगते हैं जैसे कि वाइट वाले। तो यहाँ मैं ब्लैक छोले भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो जनाब यहाँ मैंने डाल दिए हैं छोले भाई, तकरीबन 1/2 केजी के करीब होंगे छोले। मिर्चें मुझे थोड़ी कम लगती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट के मुताबिक रखिएगा, लाइट रखनी है तो फिर आप मजीद नहीं बढ़ाइएगा। मैंने इसमें अभी आधी चाय की चम्मच के करीब और मैंने कुटी मिर्च डाली है, और अब जाएगा इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। अच्छा नमक मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, नमक मैं यहाँ कर रही हूँ काला नमक, और ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि छोलों में नमक ऑलरेडी है। तो यहाँ मैंने काला नमक डाला है, उसके बाद जो आखिरी इसमें चीज़ जाएगी अभी फ़िलहाल, फिर जो ऊपर से जब जाएगी जब तैयार हो जाएंगे छोले तो वो जाएंगे सिर्फ लेमन हल्का सा वो छिटकेंगे, और हरा धनिया, और बाकी आपके टेस्ट के मुताबिक आपने अगर हरी मिर्च डाली है बारीक बारीक तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो भाई यहाँ जा रहा है इमली का पल्प, और वो भी अब पल्स आप कहेंगे कि भाई ये भी आपके टेस्ट के मुताबिक है, बहुत से लोग खाते हैं ज़रा खट्टे छोले, और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं खट्टा ज़्यादा ना हो, तो भाई मैं नॉर्मली रख लूँ ये ना ज़्यादा खट्टा और ना ज़्यादा खट्टा कम।
तो ये सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि छोले, वो छोले भी हैं तो थोड़े से और नरम हो जाए, बिल्कुल ऐसे नरम कि आप फिंगर से पुश करें और वो दब जाए, इतने नरम होने चाहिए। और अभी मेरे काफ़ी हद तक नरम है, मैं आपको एक लेके बता दूँ, मेरी फिंगर साफ ही है, ये देखिए ये नरम ही है ये तो, मगर मैंने मजीद और नरम करना है। तो जनाब यहाँ सब चीज़ें मेरी फैली पड़ी हैं, मैं जल्दी जल्दी में करके वही समझ लूँ, क्योंकि अभी और चीज़ें मजीद मैंने काफ़ी सारी बनानी है आगे। तो ये काम तो हो गया मेरा, और इसको मैं कर दूँगी कवर, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं, जो अभी नज़र आ रहे हैं प्याज टमाटर वो कुछ भी नज़र ना आए। यहाँ हमारे छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल नरम से गल चुके हैं, और उसमें मैंने ऊपर से आखिरी में अब डाला है हरा धनिया और एक लेमन जो है वो उस पर अच्छे से रस उसका डाल दिया है, और अब मैं मिक्स करके ये हो चुके हैं तैयार। तो एक चीज़ हमारी तैयार हो गई, फ्रूट चाट मैंने रेडी कर दी है और वाटरमेलन काट के रख दिया है, और जनाब अब हम जा रहे हैं पटाटा वड़ा की तरफ। तो ये चीज़ हमारी ज़बरदस्त तैयार। तो जनाब यहाँ हमने लिया है पैन, और इसमें हमने आलू जो बॉईल करे थे वो हमने साविया से मैश करवा लिए हैं, और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन ज़्यादा नहीं, एक जो खाने वाला चमचा होता है ना, बस इतना सा हमने डालना है, और इससे ज़्यादा हमने नहीं ऐड करना कुछ भी ऑयल। अच्छा, ऑयल डालने के बाद इसमें जाएगा कड़ी पत्ते, और मैंने बहुत छोटे साइज़ के लिए, जो बिल्कुल न्यू पत्ते होते हैं ना, आपने वो लेने, बड़े बड़े पत्ते नहीं लेने इसके लिए। ये हमने छोटे छोटे से पत्ते डाल दिए, और ये जा रही है आधी चाय की चमची इसमें राई। राई डालने के बाद हमने इसमें डालना है लाल मिर्च और हल्दी, थोड़ी सी जाएगी इसमें, आधी चाय की चमची से भी कम हल्दी जाएगी इसमें, और जनाब ये जाएगी लाल मिर्च किसी भी, वो मैं डाली हूँ आधी चाय की चमची से भी कम। और इन सबको डालने के बाद हल्का सा हम इसको एडिटें इसी ऑयल में भगार करा, और यही ऑयल समीत हम आलू के अंदर ऐड कर देंगे। गंदा सा दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा है, बोल साविया के लिए गंदा सा दिख रहा है। अभी जब मिक्स हो जाएगा ना तो कहीं, क्योंकि साविया ने कभी ये नहीं खाया है। बहुत से लोग इसमें सिंपल डालते हैं मसाला ऐसे ही ऊपर से, मगर जो आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें बड़े ज़बरदस्त जायका होता है। साविया जब खाएंगी ना पता चलेगा साविया का है, मम्मा बड़ा गंदा सा लग रहा है ये तो देख के, तो भाई वो यूँ लग रहा है कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास आलू जो है वो कम है। आलू अगर ज़्यादा होते तो हम शायद 2 से 3 खाने के चमचे भी यूज़ करते ऑयल, मगर अभी आलू कम है तो हमने सिर्फ एक लिया, ये देखें, और एक जितना मैंने मसाला बनाया तो वो काफ़ी रहा है, ना ज़्यादा है ना कम है, पूरा एक जगजा हो चुका सब आलू में। और इसमें हमने अभी ऐड करना है क्या, वो चीज़ 1-2 चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको और बता देती हूँ, उसके बाद हमारा ये टिक्कियाँ बनाने के लिए रेडी। तो जनाब अब इसमें जा रहा है ये चिकन पाउडर, सारे खुशबू ले रही है रोज़ो में। ये मैंने आधी चाय की चमची के करीब डाला है चिकन पाउडर, और उसके अलावा इसमें डालूंगी मैं नमक, और नमक जो है हसबे ज़रूरत डालिएगा आप, तो मेरे लिहाज से इतना काफ़ी है। तो जनाब अब मैं बनाऊंगी इसकी टिक्कियाँ, टिक्कियाँ बना के मैं जल्दी से इसको रेडी कर दूंगी। तो जनाब यहाँ हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, और अब हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा पतला बेसन पेट के और उसके अंदर डिप करके हमने फ्राई करना है। तो ये
जो चीज़ें देखें मैं घर में बनाती हूँ जो भी आपको वो आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ, ताकि अगर जो लोग नहीं बनाते तो उनको ये नई चीज़ मिल जाएगी। और रफ्तारी में ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, हस्बैंड को बहुत पसंद आया, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम खाई, बहुत मज़े की लगी उनको कि बड़ी ज़बरदस्त है, यूनिक सी चीज़ अलग है। पराठे वगैरह बहुत से लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मगर मैंने अलग तरीके से बनाया। तो यहाँ हमारी सारी रफ्तारी तैयार हो गई है, जिसमें रोल हैं, आलू के पकौड़े हैं, पराठे वड़ा है, काले छोले हैं, तरबूज है, दही बड़े हैं, फ्रूट चाट है और खजूर, तो और पकौड़े अलग मिक्स पकौड़े भी बन रहे हैं अभी। तो यहाँ अफ्तारी जनाब हमने तैयार करके बांट दी है। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को ऐसी वसी रखे और ये बड़े प्यारे महीने में एक दूसरे के घर देना बड़ा अच्छा लगता है, और अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे ही रखे ता हयात, खाता पीता हंसता बसता। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक 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 का ज़रूर बटन दबाएँ और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।